नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और आइए नजर डाल लेते हैं व्यापार से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। देश के शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में शुक्रवार को मजबूती दर्ज की गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 84.35 अंकों की मजबूती के साथ 24761.72 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 26.15 अंकों की बढ़त के साथ 7538.70 पर कारोबार करते देखे गए। हजारों करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे शराब कारोबारी विजय माल्या पर केंद्र सरकार ने बेहद सख्त तेवर दिखाए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को स्पष्ट कहा कि माल्या से कर्ज की पाई पाई वसूल की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जांच एजेंसियां सख्त कार्रवाई भी करेगी। कंट्रोवर्सी में चल रहे विजय माल्या ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। आईपीएल की फ्रेंचाइजी आरसीबी ने ईमेल कर ये जानकारी इंडियन क्रिकेट बोर्ड को दी है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड की ओर से भी उनके इस्तीफे की बात कंफर्म कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार आईपीएल गवर्निंग काउंसिलिंग में शामिल बीसीसीआई की एक टॉप ऑफिशियल को ये ईमेल फ्रेंचाइजी के अधिकारी रसेल एडम्स की ओर से 7 मार्च को मिला था। मेल में जानकारी दी गई कि विजय माल्या ने रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। वह तब तक आरसीबी के चीफ मेंटर बने रहेंगे जब तक सिद्धार्थ माल्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रहेंगे। कंट्रोवर्सी में चल रहे विजय माल्या ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। और किराए पर मकान देना अब और मुनाफे का सौदा होने वाला है। जो लोग अपना घर किराए पर देंगे उन्हें सरकार की ओर से इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके लिए सरकार जल्द ही रेंटल हाउसिंग पॉलिसी लाने वाली है। सफलतापूर्वक संसद से रियल एस्टेट बिल पास कराने के बाद सरकार जल्द ही पॉलिसी को लॉन्च कर सकती है। सरकार का दावा है कि इस पॉलिसी के आने से देश में घरों की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 10 मार्च को फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली 300 दवाइयों पर रोक लगाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। हालांकि अब यह फार्मा कंपनियों का पक्ष सुनने को तैयार है। अगर कंपनियां ये साबित कर दें कि उनकी दवा भारत के परिदृश्य में मरीजों के लिए पूरी तरह सेफ है तो उस कंपनी पर बैन के फैसले को बदला जा सकता है। बैन के तत्काल फैसले से कंपनियों का 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्टॉक मार्केट में फंस गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ईएमएस टीवी की बाकी खबरें हमारी वेबसाइट के साथ साथ हमारे एंड्रॉइड ऐप पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ईएमएस टीवी। नमस्कार।